नमस्ते इंडिया, मेरा नाम राजीव बसुमतारी और आप सबको डावला राजा ब्लॉग में फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं उपलब्ध हूँ क्याजुली में। मेरे पीछे देखिए पहाड़ है, जंगल या नदी, कम पानी है पर नदी है, थोड़ा बहुत बह रहा है पानी और चारों तरफ जंगल ही जंगल। और इस जंगल में मैं अकेला ही इस जंगल का राजा हूँ फिलहाल। माय व्यूअर्स, आप लोगों को मैं एक छोटा सा निशान दिखाना चाहता हूँ। ये निशान देखिए, ये किस चीज़ का होगा? हरिन का हो सकता है या तो छोटा शेर का हो सकता है। असंभव, असंभव। वादा वे, कोई नहीं, आगे चलता हूँ, कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से अच्छे और कुछ दिखाने के लिए। ठीक है, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे ये रास्ता है। आई डोंट नो बट ये रास्ता कहाँ जा रहा है, पर रास्ता है, पहाड़ में जाता होगा लेकिन रास्ता है। बट मैं उस साइड नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा इस साइड। अच्छा, माय व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक बात बताने के लिए बोल रहा हूँ। मैं अभी जिस जगह उपलब्ध हूँ, अभी मैं मौजूद हूँ, इस जगह का नाम हुआ क्याजुली। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्याजुली से मैं लगभग अभी 3 किलोमीटर अंदर मैं ये घरी जंगल, पहाड़, ये नदी और इधर भी नदी, और इस घरी जंगल के बीच मैं अभी अकेला मौजूद हूँ। और कोई आया क्या? मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आ रहा है, कान में गुनगुना रहा है, मुझे किसी चीज़ के आवाज़ आ रहा है मेरे कान में। वादा भाई छोड़ो, मैं ऐसे घरी जंगल में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इतना शुद्ध हवा यहाँ प्राप्त होता है जो हमें अपने सिटियों में नहीं मिलता है, अपने जगह में नहीं मिलता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है हमारे वहाँ। और ये पहाड़ों में जो आनंद है ना, ये आनंद ही कुछ और होता है। इतना खुशियाँ, इतना खुशी, हे भगवान, इतना खुशी, पता नहीं कैसे मैं जाहिर करूँ आप लोगों को। अकेला बिल्कुल, ये दावला है, ये सारे पत्थर हैं और पीछे देख रहे हैं आप लोग सारे जंगल हैं, पहाड़ हैं, देखिए। और मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है भाई साहब, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये कैमरा मैं घुमा रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। ये डावला है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये सारे पत्थर हैं, जंगल हैं, पहाड़ है, पेड़ है, पौधा है और कोई नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों के मन में बस ये एक बात डाउट हुआ होगा कि भाई साहब आपको डर नहीं लगता है ऐसे घने जंगलों में जाना? अगर किसी जानवर के साथ आपका हमला हो गया तो आप कैसे अपने आप को रक्षा करोगे? देखो, कोई कोई बात ऐसे होता है, अपने लकीर और किस्मत के साथ होता है ना। अगर मेरी किस्मत में वही लिखा है, हम उसको थोड़ी बदल सकते हैं, नहीं ना। जब होगा बाद में, वो बात की बात है, और फिलहाल तो नहीं हो रहा ना मेरे साथ, तो मैं उस चीज़ की आनंद ले रहा हूँ। और आप लोग भी ऐसे समय को आनंद ले लो, और जो कि बाद में होना है वो बात को दिखा जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया है नहीं? देखिए, वाह 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 वाह, इतना आनंद भगवान, इतना आनंद, इतना आनंद। मुझे अगर ऐसे जगह में रहने को मिला ना पूरी जीवन भर, ऐसे जगह अगर मुझे पूरे जीवन भर रहने को मिला ना, मेरे घर में मैं नहीं जाऊंगा, ये दावला नहीं जाएगा घर, डिवोर्स पेपर जरूर जाएगा। क्या बोला तूने? क्योंकि ऐसी जगह ना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मेरा ये पेड़ पौधा, ये ग्रीन ग्रीन हरी हरी चीज़ों से ना बहुत मेरा लगाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या ही आप लोगों को मैं बताऊँ। मैं फिलहाल तो अभी शाम हो गया, नहीं तो मैं और ज़्यादा कोशिश करते कि अंदर तक जाने के लिए। रुको जरा, सबर करो। पर अभी शाम हो गया, 5:30 बज गया, मुझे और अंदर जाना और ठीक नहीं रहेगा। नहीं लोग आते हैं यहाँ, इतनी गलत हरकत करते जाते हैं ना यहाँ। ये देखो, ये बोतल फोर फार के यहीं चला गया। लोग आते हैं यहाँ, लोग आते हैं,
एक पहचान मिल गया, यहाँ लोग आते हैं। फिलहाल तो मैं अकेला हूँ पर यहाँ लोग आते हैं, पहले भी आए होंगे यहाँ, है ना। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसे चीज़ों की ना, ऐसे जगहों की आनंद लेना चाहिए भाई साहब। यहाँ लोग जाते होंगे यार, ये देखो रास्ता है, रास्ता है। ये देखिए, ये क्या है, ये स्मोकिंग डिब्बा है। इधर से लोग गुजरता होगा यार, है ना, लोग जाते हैं इधर। वाओ, ये पहाड़, ये पेड़ पौधा, आई लव यू। इको हो रहा है, इको हो रहा है। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय, लव यू। रुको जरा, सबर करो। पोटी, ये देख रहे हो, ये पोटी है। किस चीज की पोटी है, आई डोंट नो। ये पोटी मतलब गू, मतलब खी। ये किस चीज की, ये हाथी का है, देखो हाथी का, ये काफी पुराना है। देखिए माय व्यूअर्स, ये हाथी का पोती है, बहुत पुराना है। आते हैं यहाँ जानवर, जरूर आते हैं भाई, यहाँ रहना ठीक नहीं रहेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, यहाँ और ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं होगा। चल बरसो यार। एक इको करवाऊँ, एक बार ही ना, और इको करवाता हूँ। आई लव यू। यहाँ नहीं हो रहा, वहाँ हो रहा। अरे यार, मुझे तो अब हवा भी चल रहा है, मुझे यार डर लगने लग गया। ओए मेरी फट गई मम्मी। पानी आ रहा है। यहाँ लोग आते हैं, खाना वाना पका के खा के जाते हैं, ये पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ लोग यहाँ पिकनिक जरूर मनाने आते हैं यहाँ, है ना। अब यहाँ ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं रहेगा यार, यहाँ और ज़्यादा देर तक रहना ठीक नहीं रहेगा। मेरी फट गई, ये शाम हो गया अब ना, मेरी फट गई। अब मेरा यहाँ और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता भाई, अकेला कहीं शहर वहर निकल जाएगा, मैं क्या करूँगा यार, खाली हाथ और बिल्कुल ही अकेला, मैं क्या करूँगा यार, है ना। ओ मेरी फट गई, ओ मम्मी, मेरी फट गई यार। भागो, शाम हो गया, रात हो गया, बात करते करते यार पता ही नहीं चला इतने टाइम कहाँ बीत गया। ओ मम्मी, मेरी फट गई, इतना अंदर चला गया, बताओ ये अभी तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ मैं, इतना अंदर चला गया बात करते करते। ओ तेरी, ये पत्थर जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं ना, उससे भी आगे चला गया था मैं। ओ तेरी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओ पत्थर आप लोग जहाँ तक देख पा रहे हैं ना, उससे भी आगे निकल गया था मैं। ओ मम्मी मेरी फट गई, अब तो मेरा यहाँ एक पल भी रहना मुश्किल हो गया। ओ मम्मी मेरी फट गई, है ना। चलो, इतना दूर चला गया, मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ तक गया था, है ना। अब मुझे लग रहा है मैं जहाँ पे गाड़ी रख के गया था वहाँ तक मैं पहुँचने वाला हूँ, मुझे अब जाके थोड़ा फटने से थोड़ा राहत मिला है, यही रास्ता है, और गया था मैं इसी रास्ते से गया था, और वीडियो के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला। फाइनली मैं लोकेशन में पहुंच गया हूँ, ये रहा गाड़ी, और अब मेरा फटने से बिल्कुल राहत मिल गया। ओके बाय, लव यू ऑल फैमिली। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।